नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा शमशान घाट का रास्ता। यह रास्ता है लॉक घाट डिस्ट्रिक्ट डोडा। इस रास्ते की आप हालत देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। यह रास्ता किसी के घर का रास्ता नहीं होता, किसी का पर्सनल रास्ता नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे हर एक इंसान ने आखिर में जाना है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, किसी भी जाति का है। और ये रास्ता जो है, ये शमशान घाट है, यहाँ से मेन रोड से नीचे उसका रास्ता है ये। तो आप देख सकते हैं इस रास्ते की हालत क्या है, एक लकड़ी उठाने में कितनी प्रॉब्लम आ रही है, कितना इसको नीचे पहुंचाने में प्रॉब्लम आती है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, उनसे अपील है कि इस रास्ते को जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके बना दिया जाए। इसका प्लान काम प्लान जो है वो रख दिया जाए कि इसको सबसे पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि ये चीज़ सबके लिए है। मरने के बाद डेड बॉडी यहाँ से ही लेनी है। स्पेशली हम हिंदू भाई जो हैं, हिंदी हिंदू जो लोग हैं, शमशान घाट ये उन लोगों के लिए है। और मैं इसमें एक बात और भी ऐड करना चाहता हूँ कि हमने, चाहे वो शमशान घाट हो, कब्रिस्तान हो, या कोई भी हो जहाँ पे अंतिम संस्कार होता है, वहाँ पे पक्का पाथ होना चाहिए। आप इस रास्ते का हाल देख सकते हैं, इस रास्ते का क्या हाल है। मेरा वीडियो बनाने का यही आज मकसद था कि ये इस रास्ते का मैं हाल दिखा सकूं, हमारे जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो इसके बारे में अपने विचार रखें और इस काम को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें। और जो हमारे सरपंच पंच जितने भी अपने एरिए के हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि इस काम की ओर पहले ध्यान दें, क्योंकि कभी मौसम ख़राब होता है, बारिश होती है, या कोई ऐसी चीज प्रॉब्लम होती है, तो अगर किसी की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे लकड़ी पहुँचाने में बहुत मुश्किल होती है। आप इस वीडियो के शुरू में देख रहे थे कि एक लकड़ी है, एक संस्कार करने के लिए बहुत लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं, भारी होती है, वेट उनका ज़्यादा होता है, वो उठानी मुश्किल हो जाती है, और रास्ता भी ना हो तो और भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले इस रास्ते का काम देख लिया जाए और इस पे सोच विचार कर किया जाए। और लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ के बारे में सोचें और इस चीज़ में अपने एक दो दिन निकाल के, सभी एक दिन निकाल के या दो दिन निकाल के, हर घर का कोई एक दो मेंबर आए, हर घर से आए, तो ये काम कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि ये सबके लिए ज़रूरी है और एक सेवा भाव वाला काम है। हम सबको चाहिए कि इसमें अपना अपना हाथ जुटाएं, अपना अपना योगदान दें। और मैंने आज सुना भी कि ये काम जो है इस रास्ते का प्लान में रख दिया गया है, बट काम रख दिया गया है। और मैं चाहता हूं कि जो हमारे BDO सर हैं होंगे, वो इस काम को सबसे पहले इस काम की ओर तवज्जो दें और इस काम को कंप्लीट कर दें, क्योंकि कभी बारिश है, कुछ है, तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और मेन प्रॉब्लम है जो हमें लकड़ी यहाँ से लेनी पड़ती है संस्कार के लिए, है तो सेवा का काम, बट अगर रास्ता नहीं है तो जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो उस चीज़ को देखते हुए मेरी अपने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स जो हैं, जो ऑफिसर हैं, उनसे और जो उनके उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जिनके अंडर ये काम आते हैं, वो इस चीज़ को देखें, इस चीज़ के बारे में सोचें और इस काम को जितना हो सके जल्दी करने की कोशिश करें। ऐसे ही मुद्दों के लिए आप चैनल को शेयर करें, ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएं, इस पे काम करवाने की कोशिश की जाए जितना जल्दी हो सके। बाकी वीडियो आप
शेयर करके एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएं, BDO सर तक पहुंचाएं, जो हमारे पंच सरपंच हैं उन तक पहुंचाएं। थैंक यू।